कृपया सर्व प्रमाण पर विशेष प्रकाश डालने की कृपा करें। सर्वे स्वधर्मे निधनम श्रेय पर ब्रह्म प्रयाग, इसको जीवन में पक्का कर लेना चाहिए। और धर्म अधिजुत्थात श्रेयो न्यक्षत्र से नगते ज्ञानम विज्ञानवास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम। पहले जो धर्मानुष्ठान के आदेश हैं वे जीवन में पूरी तरह से उतर जाए। जो चीज होगी उसी का त्याग करोगे ना, जो चीज तुम्हारे पास होगी नहीं उसका त्याग कहां से करोगे। श्री भरत स्वामी ने एक दृष्टांत दिया है, गीता पर टीका है। उन्होंने कहा कि चार व्यक्ति जंगल में गए और ये निश्चय किया कि हाँ हम लोगों को तो सही बनेगी, नियुक्त कर दिए गए तुम जाओ शहर में से दाल चावल हड़िया उपलन ले आओ। एक व्यक्ति नियुक्त किया गया कि वो लकड़ी ले आओ जंगल में से इकट्ठा करके पानी ले आवे कोई व्यक्ति। एक व्यक्ति के जिम्मे हुआ कि वो अग्नि प्रज्वलित करके खिचड़ी पकावे रसोई पकावे। उसको कहा गया कि भाई जब खिचड़ी पक जाए उसके बाद ये आग अच्छी तरह बुझा देना, नहीं तो जंगल है अगर कोई चिंगारी इधर उधर फैल जाएगी तो सारा जंगल जल जाएगा, अनेक प्राणियों का संहार हो जाएगा, इसलिए अंत में आग जरूर बुझा देना। हमारा चावल दाल लिया आई उपले आई पानी आया लकड़ी आई, आग जलाने की जिम्मेवारी जिसकी थी उसने कहा कि मैं तो आग नहीं जलाऊंगा। तो क्यों तो जब अंत में बुझा ही देना है, अंत में जब आपको बुझा देना है तो पहले से ही जला के क्या करेंगे। तो गीता पढ़ने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि पहले का जो भाग है गीता में धर्म के प्रति निष्ठा और यहां तक कि भीष्म द्रोण आदि के साथ भी युद्ध करके धर्म राज्य का स्थापन वो भूल न जाए सर्वधर्मान परित्यज्य में, ये तो मैंने भूमिका के रूप में पहले ये बात कह दी। सब जो साधन छोड़ी ले जब पहले साधु, साधन का परित्याग तब होता है जब वो कर लिया जाता है। नाव तब छोड़ी जाती है जब नदी से पार उतर जाता है, जूता तब निकाला जाता है जब मंदिर के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। तो पहली बात यह है कि धर्म निष्ठा के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। जिसका अंतःकरण है वो यदि धर्म का त्याग करेगा तो उसके जीवन में अधर्म आकर फिर से अपनी जगह जगा लेंगे। इसलिए पहले धर्म का पालन करके अधर्म का परित्याग करके जब धर्म के प्रयोजन की पूर्ति हो जाए तब धर्म का परित्याग करना चाहिए। ये नहीं कि कोई गीता तो पहले पढ़ी नहीं उसके अनुसार कुछ किया नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के धर्म का पालन नहीं किया, महानवोपाध्याय पंडित पंचानंद करकर्ता ने हम लोगों के सामने थे बचपन में, हम लोगों का दर्शन करते थे, ऋषि थे,
उनको तो न्याय वैशेषिक का जैसे साक्षात्कार हो, कोई ऐसा प्रश्न, कोई ऐसी शंका ऐसी नहीं थी कि न्याय वैशेषिक के तत्वों पर उठाई जाए और वो समाधान न कर सके। उन्होंने कहा कि एक सज्जन के चार पुत्र, चारों चार काम करते थे, कोई वेद पढ़ता था, कोई देश की रक्षा में संलग्न था, कोई व्यापार करता था, कोई सेवा करता था, पर चारों में मतभेद रहा करता था कि श्रेष्ठ कौन, श्रेष्ठ कौन। आपस में लड़ते थे कि तुम्हारा काम श्रेष्ठ है, हम करेंगे। एक दिन चारों इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों में मतभेद रहता है, तो चारों के करने का जो कोई एक कर्तव्य है, आओ उसका पालन हम लोग पहले करें। तो ये निश्चय हुआ कि जब हमारे पिताजी मरेंगे चारों के, तो उनको स्मशान पहुंचाने का कर्तव्य चारों का होगा, एक ही कर्तव्य होगा चारों का, उसमें कोई मतभेद नहीं है। तो उन लोगों ने आरती सजाई, पिताजी को ले जाकर उस पर लिखाया, स्व कार्यम अद्य पूर्वीता पूर्वाहणे चापराहणे कम, जो कल करना है सो आज कर ले, जो आज करना है सो अब कर ले, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में परले होए भी बहुरी करेगा कब। चारों ने अपना कंधा दिया, पिताजी को उठाया और स्मशान के लिए ले चले। पिताजी चुपचाप अर्थी पर लेते सोच रहे कि क्या करें। इतने में उनको सीधा हाथ हाथ खुला, गदौ गंडे चपेटी का, एक के गाल पर ऐसा चपत मारा कि उसे छोड़ दिया, छोड़ दिया तो गिर पड़े नीचे। बोले अरे मूर्खो, पहले जीवन भर पिता की सेवा की जाती है और मर जाने के पर उनको स्मशान पहुंचाया जाता है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ ये नहीं है कि जीवन काल में ही धर्मों का बहिष्कार कर दिया जाए, उनका पालन करना आवश्यक है। ये तो आजकल की नई पीढ़ी है महाराज, देश विदेश में महाराज आप लोगों का काम तो कम पड़ता है। मैं तो पछुए लोग जो आते हैं ना, जो रोज तो बम्बई में करते हैं और बम्बई के लोग जाते हैं, उनसे बहुत काम हमारा पड़ता है। साधु महात्मा भी जाते हैं तो वहां से जाते हैं आते हैं। तो ये क्या करते हैं कि विदेशों में लोगों के मन में थोड़ी हिचक रहती है कि तो भाई हम शराब पीते हैं तो गलत है। यहाँ के जो देशी लोग गए हैं, भारतीय लोग, शराब पीते हैं तो गलत काम है, परस्त्री गमन करते हैं तो गलत काम है, जुआ खेलते हैं तो गलत काम है, तो थोड़ा मन में संकोच रहता है कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ के लोग जब जाते हैं तो उनको सिखाते हैं कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो, तुम्हें न पाप लगता है न पुण्य लगता है, जो तुम्हारी मर्जी हो तो करते रहो, है यही शिक्षा जाके देते हैं। तो हम सर्वधर्मान वाले से पहला निवेदन ये करते हैं कि सारी गीता का अभिप्राय है स्वधर्म में निष्ठावान होने में, नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है, चोदना लक्षण और को धर्म। तो अब सर्वधर्मान परित्यज्य के बारे में सुना। परित्याग अनात्मा का होता है, आत्मा का नहीं। स्व का परित्याग कोई नहीं कर सकता, पर का ही परित्याग होता है। इसके लिए जिसको आत्मा अनात्मा का, नित्य अनित्य का, जड़ चेतन का, दुख सुख का, सद्वितीय अद्वितीय विवेक होगा, वो अनात्मा का परित्याग कर सकेगा। तो पहली बात यह है कि यहां सर्वधर्म पद का जो अर्थ है
वो आत्मा नहीं है, अनात्मा है। तो सर्वधर्मांकार श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि जो ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म, जिनका वर्णन सारी गीता में हुआ है, उनका आश्रयत्व न परित्यज्य, माम एकम शरणम भ्रज, शरणत्व न परित्यज्य, माने इन धर्मों से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या परमात्मा का साक्षात्कार होगा, इन धर्मों का ही आश्रय मत रखो, धर्म करते रहो परंतु आश्रय मेरा रखो, ऐसा मधुसूदन सरस्वती जी ने इसकी व्याख्या करी। अब शंकराचार्य का कहना है कि अधर्म का परित्याग तो सर्वशास्त्र से प्राप्त है, और यहाँ कह दिया धर्म का परित्याग, तो धर्माधर्म दोनों का परित्याग ही अभीष्ट है, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में न धर्म है न अधर्म है, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र च कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, धर्म और अधर्म से विलक्षण है आत्म तत्व, इसलिए धर्म द्वारा अधर्म का त्याग करो और आत्मज्ञान के द्वारा, भगवत शरणागति के द्वारा धर्म का भी परित्याग करके धर्माधर्म, पाप पुण्य, सुख दुख दोनों से मुक्त हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, अब परित्याग यदि अन्य का होता है तब परित्याग क्रिया नहीं होगी, परित्याग भावना नहीं होगी। परित्यज्य माने परित्यक्तत्वेन अवबुद्धिय, सचमुच धर्माधर्म के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, महाभारत में इसकी बढ़िया व्याख्या है, त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानते त्यज, उभे सत्यानते त्यक्त्वा ये न त्यजसि तं त्यज, त्यज धर्मम असंकल्पात् अधर्मम चाप्यलिप्तया उभे सत्यानते बुद्धिया बुद्धिं परमनिश्चयात्। धर्म धर्म दोनों का परित्याग करो, सत्य और असत्य दोनों का परित्याग करो, सत्य और असत्य दोनों का परित्याग करके जिस निश्चय से सत्य असत्य का परित्याग करते हो, भेदभाव का, जिस असत्य का प्रतियोगी सत्य है, वस्तुतः वे सत्य असत्य दोनों ही मिथ्या है, प्रतियोगी सापेक्ष जो असत्य है वो वस्तुतः असत्य नहीं है, वो तो द्वैत है और आवरक ही है, अनिर्वचनीय आवरक है। तो बुद्धिं परम निश्चया, असंकल्प से धर्म का त्याग, फिर जो धर्मम असंकल्पात् और अलिप्सा से अधर्म का त्याग, और धर्माधर्म दोनों का, सत्य और अनर्थ दोनों का बुद्धि से त्याग और बुद्धि का परम तत्व के निश्चय से त्याग, ये महाभारत में सर्वधर्मान परित्यज्य की व्याख्या है। श्रीमद् भागवत में तस्मात् त्वमुद्धव त्रिज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यम श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम आत्मानम सर्वदेहिनाम याहि सर्वात्म भावेन मयास्याहि यकुतो भया। ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सर्वधर्मान परित्यज्य की व्याख्या सुनाई है। विधि और निषेध, प्रवृत्ति और निवृत्ति, सबका परित्याग करके एकमात्र सर्वात्मा, सबके मैं का सार, सर्वात्मा प्रत्यय सार जो मैं हूँ, उसकी शरण में आ जाओ और मुझसे एक हो जाओगे, ये है भागवत की व्याख्या। अब आओ गीता के मूल को भी छू दे, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
संसार में जितना धर्म धर्म का भेद है, दूर मको विदितास अविदितास आदि श्री निम्बार्काचार्य कार्य कारण के द्वारा जगत की व्याख्या करते हैं। अद्वैत कारण है और द्वैत कार्य है। श्री रामानुजाचार्य विशेषण विशेष के द्वारा जगत की व्याख्या करते हैं, जगत जीव विशेषण है और परमात्मा विशेष है। मध्वाचार्य स्वतंत्र पारतंत्र के सब संकल्प से भगवत स्वरूप के रूप में जगत की व्याख्या करते हैं, परंतु जगत काल में ही ये सारी व्याख्याएं विशेषण काल में, कार्य काल में, जगत काल में ये सारी की सारी व्याख्याएं लगती हैं। जगत के अभाव से उपलक्षित जो तत्व है कौन? आत्मा, अपना स्वरूप। प्रपंच के अभाव से उपलक्षित दूसरा कोई नहीं होता, अन्य नहीं होगा प्रपंच, प्रपंचाभाव से उपलक्षित, प्रपंचाभाव से उपलक्षित अपना स्वरूप ही होता है शंकर। उसकी व्याख्या करते हैं कार्य कारण विशेषण विशेष, नारायण आश्रित आश्रय आदि का परित्याग करके शुद्ध वस्तु की व्याख्या करता है। अब सर्वधर्मान परित्यज्य अनात्मत्वेन मिथ्यात्वेन अनिर्वचनीयत्वेन परित्यज्य वहोति माम एकम शरणम व्रज। एकम अद्वितीयम शरणम सर्वाधिष्ठानम माम व्रज जानी। ब्रज गमन ज्ञान मोक्षेषु प्राप्तौ चापि गतर्मता, शरणम गृह रक्षित्रो हो, एकम अद्वितीयम एक ही अद्वैती इति एका, जो द्वितीय तृतीय आदि संख्याओं में जिसका अन्वय हो उसको एक बोलते हैं। माने संपूर्ण संख्या संख्योपलक्षित गुणों से जो व्यतिरिक्त है उस परमात्मा को एक कहते हैं। अद्वितीयम शरणम सर्वाधिष्ठानम माम प्रत्यगात्मानम ब्रज जानी, मुझ प्रत्यगात्मा को जानो। अहम हंसेन अभिव्यक्ता, तुम्हारे अहम के रूप में मैं प्रकट हो जाऊंगा। और सर्व पापे भ्या अविद्या तत्कार जे भ्या मोक्षयिष्यामि, पाप सब पापों से माने दुख से, पाप कर्म से, कर्म मात्र ही पाप होता है वेदांत की भाषा में, कर्म मात्र ही पाप है। और ब्रह्म लोकादि सर्व लोक नरक, ये वेदांत की भाषा जो है वो बड़ी विलक्षण है। ब्रह्म लोकादि सर्व लोक दृश्य है नारायण, और आवागमन से उसमें आवागमन भी है और ऊर्ध्वगमन भी है। गमनागमन से युक्त जो लोक पर लोक है वो सब नरक है, और नारायण कर्म मात्र क्रिया मात्र ही वहाँ पाप है। तो पापे दिया पाप का फल जो दुख है उससे, उस दुख को देने वाली जो वासना है उससे, उस वासना का संस्कार देने वाला जो कर्म है उससे, उसके मूल कर्तृत्व से नारायण, और कर्तृत्व के मूल भ्रांति से, और भ्रांति के मूल अविद्या से, क्योंकि भ्रांति कार्य है। सर्प माला धारा आदि जो है ये कार्य रूप भ्रांति है, और रज्जु का जो अज्ञान है वो कारण रूप मूल रूप अविद्या है। तो अविद्या और अविद्या के कार्य से मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, अहम के रूप में अभिव्यक्त होकर के माँ शुचः अशोचानन अशोचस्वम से प्रारंभ किया और माँ शुचः से उपसंहार कर लिया। इस प्रकार गीता के मूल श्लोक जो है वो तो पहली तो है शिष्यस्य अहम् साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, गुरु की शरण में जाना चाहिए। और नासको विद्यते भावस्य प्रपंच के मिथ्यात्व का निश्चय करना चाहिए, और मे मामेकम शरणम व्रज से परमात्मा की अद्वितीयता को जानना चाहिए, और करिष्ये वचनम तवा से उपसंहार हो जाना चाहिए। नारायण ये गीता की चतुश्लोकी बोलते हैं कौन? विजारत तरही के कर्ता जो है श्री कृष्णानंद जी सरस्वती। प्रश्न है, पिता की आज्ञा पालन न करने के कारण
यदु को श्राप हुआ। उस यदु के वंश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और अंत में भी यदु वंश को श्राप लगा। इसमें क्या रहस्य था, कृपा करके समाधान कीजिए। सुग्रा भक्ति आश्रम के चोपड़ा। वैसे तो पिता की आज्ञा का पालन न करने से यदु को श्राप लगा और वो राज्य भोग से वंचित हो गए। यही हुआ था उनको कि उनके वंश को राज्य नहीं मिला, परंतु राज्य भोग से वंचित होने पर भी उनको भगवान का पूर्वज होने का गौरव प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध में यदोस्तु धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तम सत्रां से नावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याय चंचला। यदोस्तु धर्मशीलस्य, श्री सुखदेव जी महाराज और श्री नारायण यदु को धर्मशील कहते हैं। माने यदि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके वे भोग राग में संलग्न होते, प्रपंचाशक्त होते, तब तो पिता की आज्ञा का पालन न करने का पाप उनको लगता और वे पतित हो जाते। परंतु वे पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके भी और भगवत भजन में लगते हैं और निवृत्ति परायण हो जाते हैं, इसलिए उनके वंश में भगवान का अवतार होता है। तो आप ये बात देख लीजिए कि आप संध्या वंदन नहीं करते हैं, वृंदावनी है, वृंदावन में जरा संध्या वंदन की उपेक्षा ही रहती है। पर संध्या वंदन आप प्रातः काल सायंकाल नहीं करते हैं तो करते क्या है? बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए कि सायंकाल जाते हैं सिनेमा देखने के लिए कि भगवान के ध्यान में भजन में बैठ जाते हैं? तो आप प्रातःकालीन सायंकालीन अपने धर्म का परित्याग करते क्या है? पिता की आज्ञा बहुत बड़ी है। उपनिषद का ही कहना है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पिता की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, पिता के सामने हाथ जोड़ के पुत्र को खड़ा होना चाहिए, पिताजी जो आप आज्ञा करें वही हमारे लिए कल्याणकारी। तीसरे स्कंध में भागवत के मन के कर्दम के प्रसंग में स्पष्ट। परंतु जब इस पिता की आज्ञा के स्थान पर परम पिता की कोई आज्ञा हो, परम पिता की सेवा करनी हो, तो यदि परम पिता की सेवा में संलग्न हो जाए तो पिता की आज्ञा के उल्लंघन का दोष जो है वो शिथिल हो जाएगा। राजा यदु को इसी से श्रीमद् भागवत में धर्मशील कहा हुआ है, पतित कहा हुआ नहीं है, धर्मशील कहा हुआ है। केवल राज्य च्युति जो है वो साप से हुई है, परमार्थ च्युति यदु की नहीं हुई है, परमार्थ तो उनको प्राप्त ही हुआ है। तो शांति। एक सत्संगी भाई पूछ रहे हैं, महाराज विष्णु मुझे प्रायः गुस्सा आता है, यह बुरा है, यह समझता भी हूँ पर इसे काबू में लाने में विफल हो जाता हूँ। देखो क्रोध आने में स्थूल से स्थूल कारण यह है कि हम चाहते हैं कि इच्छा तो हमारी रहे और दूसरा उसके अनुसार चले। पत्नी है, पति है, पुत्र है, पिता है, लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि मन हमारा हो और लोग उसके अनुसार चले। ये जो अपनी इच्छा को प्रमुखता देना है कि सब लोग हमारी इच्छा के अनुसार काम करें, तो उस इच्छा में जब प्रतिघात होता है, जब बाधा पड़ती है, तब क्रोध आता है। कामात क्रोधो विजायते, काम की पूर्ति होने से लोभ होता है और काम में बाधा पड़ने से क्रोध आता है। काम के दो बच्चे हैं, अगर कामना पूर्ति हुई तो लाभात् लोभो
विवर्धते, लाभ से लोभ की वृद्धि होगी, और यदि कामना की पूर्ति नहीं हुई तो बाधा डालने वाले के प्रति क्रोध आता है। इसलिए देखो, न तो आप सब में परमात्मा को देखते हो, न सब में आत्मा को देखते हो, न सबको माया मात्र देखते हो, न सबको प्रकृति का विलास देखते हो, न सब में पंचभूत देखते हो, न सब में जीव देखते हो, न सब में मनुष्य देखते हो। आपकी दृष्टि जो है वो इतनी स्थूल हो गई है कि अपने मन में उठने वाली इच्छा के अनुसार दूसरों को चलाना चाहते हो। इसलिए कम सुखम रोधि कस्य रोधा क्रोध इति, क्रोधा तस्मात् कम रोधि इति, ये हमारे सुख के झरने को रोक देता है। तो आप स्थूल उपाय करें कि यदि क्रोध आता दिखे तो चुप हो जाए, बोले क्रोध आने वाला मालूम पड़े 5 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो जाए, वहां से हट जाए, भगवान का नाम लेने लगे, और नहीं तो कुछ जाकर खाए पिए, थोड़ा मीठी मीठी चीज खाने लगे, जीभ पर शक्कर डाल रहे और मंदिर में चले जाए। पहले से एक नियम रखें कि एक बार क्रोध का भाव मन में आवेगा तो 5 रुपया गरीब को देंगे, नहीं तो ये नियम कर लीजिए कि एक बार क्रोध आवेगा तो 3 दिन नमक नहीं खाएंगे, ये नियम कर लीजिए 3 दिन दूध नहीं पिएंगे, 3 दिन शक्कर नहीं खाएंगे। तो जब आपको क्रोध आने वाला होगा तो शक्कर नमक चाय ये सब आके हाथ जोड़ के सामने खड़े होंगे, प्यारे हमको क्यों छोड़ रहे हो, और क्रोध भाग जाएगा, बोला। इसलिए सर्वोत्तम उपाय ये है कि पहले से अपने ऊपर जुर्माना करके रखो। अच्छा, भूखे रहने का नहीं, क्योंकि भूख में क्रोध और बढ़ता है, इसलिए तो ये चीज छोड़ो, शक्कर छोड़ दो, दूध छोड़ दो, चाय छोड़ दो, नमक छोड़ दो। तो उस समय जिस पर आपको क्रोध आ रहा है उसकी जगह पर आपकी छोड़ी हुई चीज आपको याद आ जाएगी, है ना, या पति पत्नी का सहवास छोड़ दो, या बोलना छोड़ दो, श्रीमती से बोलना, कह दो एक बार क्रोध आएगा तो 3 दिन श्रीमती जी से बोलेंगे नहीं, तो मार मार के बुलवा लेगी आपको, और नारायण आपसे प्रतिज्ञा करवा लेगी कि अब कभी क्रोध मत करना। तो सब काम जो है ना वो युक्ति से होता है, योग वाशिष्ठ में लिखा है कि अपने अंदर कोई दोष हो तो युक्ति के द्वारा उसको निवारण करना चाहिए।